सियाराम वंदे मातरम। आज का हमारा ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है कि जो हृदयघात, अस्थि संबंधी ज्वाइंट पेन, जलन, अल्सर, ब्लॉकेज, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, हेयर फॉल, आई साइड वीक, स्किन की प्रॉब्लम, तेज़ी से उम्र बढ़ रही है, शरीर में कमजोरी हो जा रही है आदि आदि, चाहे कैंसर के सेल क्यों ना डेवलप हो रहे हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए ध्यान से बने रहिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं एक ऐसा मॉर्निंग ड्रिंक बताने जा रहा हूँ आपको कि सुबह उठ करके अगर आप उसे पीना शुरू कर दें तो निश्चित जानिए कि जितनी चीज़ें हमने आपको बताई इसमें तो आपको एकदम अमूलचूल बदलाव आएगा और कुछ दिनों के सेवन से पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको करना पड़ेगा, आपको अपने इस प्राकृतिक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके घर के आसपास, आपके इवन घर में मौजूद है, लेकिन चूंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं है, इस वजह से हम जा करके वो खतरनाक रसायन तो लेकर के आते हैं कहीं स्टोर से, कहीं आदि आदि जगहों से खरीद करके, और उसे खाते हैं, 10 और बीमारियों की चपेट में जाते हैं। लेकिन जो घर पे अमृत पड़ा हुआ है, उस अमृत की, जैसे घर पे माता पिता हों उनकी सेवा ना हो और जा करके दूर दूर मंदिरों में मूर्तियों को पूजा जाता हो, तो प्रथम पूजन माता पिता का, उसके बाद सर्व पूजन। उसी प्रकार से अपने घर में मौजूद अर्क औषधियाँ, ये हमारी जीवनदायिनी हैं, एकदम पूरी तरीके से निरोगी और निरापद हैं। मैं आज नींबू और एलोवेरा के बारे में बात कर रहा हूँ। चाहे किसी को कब्जियत और अल्सर भी रहती हो, पूरी तरीके से आंतों को भी दुरुस्त करेगा, लीवर के ऊपर जमा फैट को निकाल देगा, बॉडी में जो टॉक्सिन है, ब्लड में जो टॉक्सिन है उसको निकाल करके फेंक देगा, आपके ब्लॉकेज को निकाल करके फेंक देगा, इवन कैंसर सेल बन रहे हैं उसको भी ठीक कर देगा, कंट्रोल में कर देगा तेज़ी से आदि आदि, चाहे इम्यून सिस्टम को लेकर के आदि आदि, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितनी समस्याएं हों, B1, B2, B3, B6, B12 आदि आदि, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, पोटेशियम, जितनी भी चीज़ों की कमी हो रही है शरीर में, सबके लिए एक रामबाण चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप इस चीज़ को देखें, समझें और अपने आसपास मित्र दोस्तों सबको बताएं, समझाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आपको पसंद आए तो जय श्री राम। देखिए, मैं आज आपको पूरी विधि बताने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि ये नींबू है, जैसे आपको पानी क्या करना है, गुनगुना कर लेना है, हल्का गुनगुना पानी। क्या होता है, बॉडी के जो है समतापी हो जाता है, हमारे शरीर का जो तापमान है वो है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी हिसाब से पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिए। और गुनगुना करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको ग्लास में रखना है। ध्यान ये रखना है कि आपको कॉपर आदि के या पीतल में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें नींबू डालेंगे तो नींबू से क्या है कि वो उसमें जो बाई कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं वो सब उसमें घुलनशील होने लगते हैं, या कॉपर भी उसमें घुलने लगता है तेज़ी से। तो आपको क्या करना है, स्टील का बर्तन यूज करना है या कांच का यूज करना है। चूँकि कांच में गर्म करने में असुविधा है, इसलिए हमने स्टील के बर्तन को प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो आप क्या करें कि पानी को गर्म करें, कितना, मीडियम, बहुत ज़्यादा नहीं खौलता हुआ, और क्या करें कि उसको आप ग्लास में डाल दें। ग्लास में डालने के बाद आपको करना क्या है कि एक नींबू जो है, आधा नींबू काट करके आप उसको निचोड़ दीजिए इसमें अच्छी प्रकार से। नींबू निचोड़ने के बाद आपको करना क्या है, एलोवेरा। अब आप देखिए नींबू और एलोवेरा में गुण क्या है। एलोवेरा में विटामिन ए है, सी है, ई है, तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B6, B12 और 20 प्रकार के मिनरल, जैसे कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज आदि आदि भरे हैं, जो स्किन, ज्वाइंट, लीवर, डिटॉक्स, पावर को बढ़ा देते हैं, सभी धातुओं की पुष्टि करने लगते हैं आदि आदि, आई साइड की प्रॉब्लम हो, उम्र घट रही बढ़ रही हो तेज़ी से, और क्या है कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, कोशिकाओं की उम्र को कम कर देगा, बोन को मजबूत कर देगा, कैल्शियम आदि है, अल्सर है सब में। और नींबू में जाएं तो एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, और इसमें जो इसमें पोटेशियम और जो विटामिन है ना, विटामिन सी, जो इम्यूनिटी आदि को बढ़ाता है, तो वो क्या करता है जानते हैं, वो ये करता है कि घुलनशील होने के कारण पूरे शरीर में घुल जाता है और नुकसान नहीं पहुंचाता है। और नींबू में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और फेरस, फ्लोराइड, ये क्या कहते हैं कि पोटेशियम आदि आदि, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के घटक इसमें भी मौजूद हैं। तो आपको करना यह है कि आप एलोवेरा लीजिए, घर पे छत पे लगा लीजिए, गमले में हमने बहुत सारा लगाया हुआ है, कई तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं, आप लोग देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसको जो है फैला दीजिए, फैलाने के बाद आप देखिए कि इसको आप चक्कू की मदद से निकाल लीजिए। चक्कू की मदद से निकालने के बाद
आपको करना क्या है कि इसको छोटे छोटे पीसों में काट देना है, छोटे छोटे, चूँकि हम डेली उपयोग करते हैं तो छोटे छोटे पीसों में काटने के बाद, नींबू निचोड़ने के बाद आपको इस पर डाल देना है। पानी में डालने के बाद आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है। ध्यान रखिए कि स्टील या कांच का जो है पात्र हो तो ये हितकर होगा। आपको इसको इस प्रकार से मिला देना है। अब ये आपका अमृत ड्रिंक, जिसे कहते हैं हाई अल्कलाइन वाटर, हाई हाई हाई, जिसको तमाम आज का हमारा सारा भोजन, आज का हमारा सारा भोजन जो है पूरी तरीके से अम्लीय हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, जिसकी वजह से समस्या ये आ रही है कि भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, चूँकि अम्ल की एक निश्चित मात्रा ही शरीर में चाहिए। हमारा जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, सब अम्लीय है। इवन जो आरओ से पानी हम ले रहे हैं, जो उसके मल्टीपल प्रोसेस होकर के आ रहा है, वो भी जो है एसिडिक हो जाता है, पीएच वैल्यू बहुत जो है उसकी कम हो जाती है। तो आपको करना क्या है मित्र, ये अमृत घर पे बनाएं। गमले में आप एक एलोवेरा, दो एलोवेरा का पेड़ लगा लें, अपने आप ही उगता रहता है। आपको किसी किसी दिन पानी देना है, ज़्यादा उसका मेंटेनेंस नहीं है। और नींबू वगैरह एक लेकर के आएँ घर पर, हफ्ते में दो दिन तो उपयोग करें, एक दिन तो उपयोग करें, शुरुआत तो करें, अपने बच्चों को आदत डलवाएं। बाज़ार की हजारों हजारों बीमारियों से, दवाइयों से, तमाम प्रकार के कष्टों से दूर हो जाएंगे। और अगर आपको इन चीज़ों में लाभ मिले तो हमारे वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, लोगों को और बताएं पहुंचाएं। इसमें मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, ना मुझे कुछ चाहिए। आप स्वस्थ हों, भारत स्वस्थ हो, देश बेहतर बने, राष्ट्र बेहतर बने, और आप हर्षोल्लासित हों, बस इतनी ही मेरी जो है कामना है। प्रभु राम से ये कृपा जो है उनसे ये उनके चरणों में नमन करते हुए ये प्रार्थना है कि सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि लोग अपनी प्रकृति से, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ सकें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।